नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिवनी, महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की मांग पूरी नहीं हुई और विभाग द्वारा सुविधाएं नहीं मिलने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कर्मचारी दर्जा और सुविधाओं से अनुचित तरीके से वंचित रखा जा रहा है, ऐसा आरोप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाया है। इसलिए अम्बेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग पूरी होने पर भोपाल में हड़ताल करने की योजना बनाई जाएगी, ऐसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है। कब तक के गद्दारी करोगे? अरे ऐसे ही करके अंग्रेजों ने किया था, यही काम अंग्रेजों ने किया था और वही काम आज भी चल रहा है। तो ऐसा शोषण और ऐसा गद्दारी काम कब तक चलाओगे, कब तक चलेगा ये बताइए। आप लोग कब जागरूक हो गए? पढ़े लिखे लोग हो, अच्छी बुरी चीजों को समझा करो और कौन हमारे गलत में है, कौन सही में, उस बात को भी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामेश्वरी मेसराम है। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन मध्य प्रदेश भोपाल। और किस किस तरह का शोषण होता है इनके साथ? शोषण तो बहुत तरीके का होता है, आप कितना बता, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ होती है। हम लोगों को पोषण ट्रेकर ऐप तो काम करवा रहे थे, ऑनलाइन वगैरह काम करवा रहे हैं, लेकिन मोबाइल नहीं मिला था। हड़ताल में बैठते हो और फिर हड़ताल बंद हो जाती है, क्या कारण? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे, आश्वासन दे देते हैं, इसलिए अपने अपने काम में चले जाते हैं। मुख्यमंत्री तो मोबाइल मिल चुके हैं बाकी जिले में, और अभी सिवनी जिले में नहीं मिला। उसका कारण? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सिवनी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, हमने 10 बार बोल दी है कि केंद्रों तक पोषण आहार जाना चाहिए जो THR के रूप में मिलता है, परंतु कार्यकर्ताओं को हमेशा दबाव बना करके कार्यकर्ताओं को ही ढुलाई करवाया जाता है। हम लोगों को पोषण ट्रेकर ऐप तो काम करवा रहे थे, ऑनलाइन वगैरह काम करवा रहे हैं, लेकिन मोबाइल नहीं मिला था। कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनको मोबाइल चाहिए। मोबाइल के टेंडर्स जो है वो जारी हो चुके हैं, जैसी बीट आएगी हम जो है टेंडर प्रक्रिया पूरी करके मार्च के महीने में लगभग उनको मोबाइल मिल जाएगा। और साथ ही बड़ी समस्या यहाँ की सिवनी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, हमने 10 बार बोल दी है कि केंद्रों तक पोषण आहार जाना चाहिए जो THR के रूप में मिलता है, परंतु कार्यकर्ताओं को हमेशा दबाव बना करके कार्यकर्ताओं को ही ढुलाई करवाया जाता है। प्रशासन ने इस बारे में पॉजिटिव रिस्पांस दिया है हमको कि THR सप्लाई की राशि को बढ़ाई जाएगी। अच्छा, ये राशि बढ़ जाएगी जी। कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनको मोबाइल चाहिए। मोबाइल के टेंडर्स जो है वो जारी हो चुके हैं, जैसी बीट आएगी हम जो है टेंडर प्रक्रिया पूरी करके मार्च के महीने में लगभग उनको मोबाइल मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है शासन की ओर से उनको डेटा का भी, डेटा की जो पैसे हैं वो देने का भी प्रावधान है। उनकी दूसरी मांगे ये है कि पोषण मटका के संबंध में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का आदेश है कि जो गांव में पोषण मटका के माध्यम से जो गांव के ही सामुदायिक स्तर पे जो है वो अनाज को जमा करके बच्चों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके उनके पोषण के स्तर को सुधारा जाए, तो ये शासन की मंशा है। और तीसरी उनकी मांग ये है कि तीसरी मांग जो है उनका जो है वो THR सप्लाई को लेकर है और गेप को लेकर है। तो चूंकि ये THR की मांग जो होती है वो MPR के माध्यम से कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर के माध्यम से आती है, जिनकी डिमांड हम हर महीने मंडला प्लांट को भेजते हैं और उसी के माध्यम से हर महीने आता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि गेप थोड़ा हो जाता है, परंतु रेगुलरली नहीं होता, समय पर अवेलेबल THR केंद्रों पर उपस्थित रहता है। अच्छा, आंगनवाड़ी केंद्र की जो है कार्यकर्ता, उन्होंने ये लगाया कि हम ये तीसरी बार हो गए हड़ताल पर रह के, मगर हमारी मांग समय सीमा के अनुरूप नहीं होती। अब ये निर्णय तो शासन स्तर का है और शासन स्तर पे हर बार जो है इनका जो क्या कहते हैं ज्ञापन जो है और उनकी मांगे जो है भेजी जा चुकी है, और ये शासन स्तर पर संज्ञान में है। अब शासन इस अपने सुविधानुसार इस पर निर्णय लेगा, इस बारे में मेरे सत्य जानकारी है। अच्छा, ये जो पोषण आहार में जो भाड़ा लगता है, हाँ, उसमें भी ये बोल रहे हैं कि उसकी राशि में भाड़ा कम मिलता है। हाँ, उनकी मांग ये थोड़ी ही मांग जो भाड़ा जो है सप्लाई का, तो वो थोड़ा इस बारे में हमने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है कि इनकी जो भाड़ा की राशि जो है वो बढ़ाई जाए, और शासन ने इस बारे में पॉजिटिव रिस्पांस दिया है हमको कि THR सप्लाई की राशि को बढ़ाई जाएगी। अच्छा, ये राशि बढ़ जाएगी। सिवनी से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।